हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है संडे अक्टूबर एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टुडे वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट इन दोनों वर्ड्स की प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग और इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है सो चलिए स्टार्ट करते हैं ए सी सी ई पी टी एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री टू समथिंग और टू से यस सो ए सी सी ई पी टी एक्सेप्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी बात पर अग्री करना और यस yes कहना द वर्ड शोज़ अग्रीबिलिटी टू समथिंग एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट मीन्स टू रिसीव समथिंग विलिंगली और टू अग्री टू समिंग सो ये जो वर्ड है ये शो करता है अग्रेबिलिटी को कि यानी कि हम किसी भी चीज़ या किसी भी बात के साथ सहमत हैं हम येस yes कह रहे हैं वी आर अग्री एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट मीन्स टू रिसीव समथिंग विलिंगली और टू अग्री टू समिंग एक्सेप्ट जो है वो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है कि अगर हम कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं वो हम विलिंगली कर रहे हैं हमारी उसमें मर्जी है और टू अग्री टू समथिंग यानी कि हम किसी चीज़ के साथ सहमत हैं एक्सेप्ट का मीनिंग ही होता है हिंदी में स्वीकार करना मान लीजिए कोई बात है या कोई भी सिचुएशन है मान लीजिए हमने कोई मिस्टेक की है तो कहते हैं ना आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि आई एक्सेप्ट दैट कि मैंने ये गलती की है मैं ये मानती हूँ मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझसे ये गलती हुई तो इसमें क्या कर रहे हैं हम सहमति शो कर रहे हैं कि हाँ मैंने ही गलती की है हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरी गलती है सो so ये है एक्सेप्ट का मीनिंग स्वीकार करना नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट अब सिनोनिम्स क्या होंगे लुक एट सिनोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट रिसीव वेलकम गेट गेन टेक और अग्री एंटरनेम्स अब देखिए एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है स्वीकार करना अग्री करना उस बात पे रिसीव करना तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि उस बात पे अग्री ना करना यानी कि डिसअग्री करना डिनये करना सो लुक एट द एंटनेम्स ऑफ एक्सेप्ट डिनय डिसअग्री डिक्लाइन रिजेक्ट एक्सम्पल सेंटें फर्स्ट सेंटेंस इज आई डिड नॉट एक्सेप्ट हर बिजनेस प्रपोजल यानी कि मैंने उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया स्वीकार नहीं किया आई डिड नॉट से येस टू दैट बिजनेस प्रपोजल सेकेंड जॉन डिड नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ उसकी नौकरी लगने वाली थी जॉन की वहाँ की जो टर्म्स और कंडीशन थी वो उसने एक्सेप्ट नहीं की बहुत बार होता है ना कि हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं एंड वी व्हेन वी डिड नॉट लाइक और वी फाइंड द डिफिकल्ट और समथिंग विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर अर फॉर एग्जाम्पल सम टर्म्स एंड कंडीशन दैन वी डिनाई टू दैट जॉब तो इसी तरीके से जॉन के साथ हुआ कि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को मना कर दिया उसने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की थर्ड सेंटेंस इज द स्टोर डज़ नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स यानी कि जो स्टोर है वो एक्सेप्ट वो क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता यानि कि वहाँ पे पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते ये है एक्सेप्ट की विद मीनिंग सिनोनेम्स एंटोनेम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस फुल डिस्क्रिप्शन नाउ ए ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग समथिंग और समबडी और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेप्ट का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना या उसके अलावा एक्सेप्ट इज यूज इन अ सेंटेंस वन डिस्क्राइबिंग एन एलिमेंट और नाउन दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एक्सेप्ट हम उस सेंटेंस uh, में तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ इंक्लूडेड uh, नहीं है एक्सेप्ट के हिंदी मीनिंग होते हैं के अलावा को छोड़कर या इसके सिवा कहते हैं ना कि जैसे कभी कभार होता है कि मैंने सारे होमवर्क कर लिया आई हैव डन ऑल होमवर्क अपार्ट फ्रॉम मैथ्स यानी मैथ्स के अलावा मैंने सारे होमवर्क कर लिए हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो लग रहा है उसका भी मतलब के सिवाय होता है तो यहाँ पे हम उसको उसकी जगह हम एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव डन ऑल होमवर्क एक्सेप्ट मैथ्स यानी कि मैंने सारे सब्जेक्ट के होमवर्क कर लिए हैं सिर्फ मैथ्स का ही नहीं किया मैथ्स के सिवाय मैथ्स को छोड़कर मैंने सारे होमवर्क कर लिए हैं सो so, ये होता है एक्सेप्ट का मीनिंग नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। सिनोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट आर बिसाइड्स एक्सेप्टिंग एक्सक्लूडिंग और एक्सक्लूड। अब इसके एंटोनिम्स हैं एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट आर इंक्लूड परमिट अप्रूव agree or accept now we move on to the example sentences first sentence is this store will be open daily except sundays yani ki ye dukan daily op khuli rahegi daily open rahegi except sundays सिवाय Sunday के यानी कि Sunday को वो दुकान बंद रहेगी बाकी दिन खुली रहेगी सेकेंड सेंटेंस इज देर इज नथिंग पर्मानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज यानी कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के भगवद गीता में भी लिखा है ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम है यानी कि चेंज जो है वो होता रहता है थर्ड सेंटेंस इज एवरी वन इज इन्वाइटेड एक्सेप्ट सैम यानी कि सबको इनवाइट किया गया है सिवाय सैम के सैम को छोड़कर सबको इनविटेशन दिया गया है सो so ये है एक्सेप्ट का मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स और एग्जांपल सेंटेंसेस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो टुडे वी हैव लर्न बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना यस yes करना उसके साथ अग्री करना और इस एक्सेप्ट का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के अलावा यानी इसके सिवाय इसको छोड़कर बिसाइड्स दैट अपार्ट फ्रॉम दैट सो ये होता है एक्सेप्ट का मीनिंग तो so, इस वीडियो में हमने आज यही सीखा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बिटवीन डिफरेंस क्या होता है दोनों का मीनिंग क्या होता है इनकी सिनोनिम्स क्या होते हैं एंटोनिम्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं मैं डेली के डेली अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड्स की वीडियो डेली अपलोड करती हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन So, if you want to learn English vocabulary words daily, please subscribe to my channel, Universe is Unique, and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you. Thank you so much for watching.